करनाल स्थित साई सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नमेश पांड्या कल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित साई सेंटर के प्रतिदिन हो रही आराम सेवा में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री सत्य साई सेवा संगठन समाज हित में अनेकों कार्य कर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पूरे भारत में ही नहीं अपितु कई देशों में समाज हित में किए गए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में संगठन अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं करनाल स्थित साई सेंटर में समिति द्वारा नित्यम अनम सेवा का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपना पेट भरते हैं। उसी के साथ कल्पना चावला अस्पताल में आए मरीज और उनके सहायकों को भी खाना उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। कल हमारे यहाँ हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो पधार रहे हैं, हमने यहाँ पर एक अन्नम सेवा शुरू की है, जिसमें जो हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं उनके जो अटेंडेंट हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, और जो दूसरे भी लोग हैं जो सड़क पर भी आते हैं जाते हैं, हम किसी को मना ही नहीं करते, उनके लिए जो है हम पिछले करीबन 2 साल से नित्य अन्नम सेवा चल रहे हैं। उनको बड़ा फ्री फूड दिया जाता है, बड़े मनोभाव से हम उनकी सेवा करते हैं। तो उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर पधार रहे हैं हॉस्पिटल के सामने। दूसरा, हमारा हम स्वास्थ्य सेवा पर भी बहुत ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ भगवान बाबा श्री सत्य साई बाबा ने अनेकों प्रकार के हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जिनमें हार्ट की, विशेष तौर से हार्ट फ्री जो है इलाज किया जाता है, जिसमें आप अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सफरती में जाएँ तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ बच्चों की ड्रेस भी, जो पेशेंट है उनकी ड्रेस भी हॉस्पिटल की होती है, वहाँ फ्री डिपार्टमेंट में फ्री जो है, बिल्कुल आप महसूस करेंगे बिल्कुल फ्री। 5 लाख तक का जो इलाज है वहाँ फ्री होता है। कितना लाभ लेते हैं ऐसे आम लोग, और कल के बाद जो उद्घाटन करने आ रहे हैं कितना लोगों को फायदा होगा? जैसे हर स्टेट से, ऑल इंडिया से लोग जाते हैं, कर्नाटका से, आंध्रा से, अच्छा बेंगलोर से, और जो करनाल से भी कई लोग जो हैं जिन्होंने बच्चों ने जिन्हें हार्ट में छेद हो गया था, कई जो हैं सेक्टर 6 से भी हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया। तो सर जो आप भोजन देते हैं कितना फ़ायदा मिलेगा आने वाले दिनों में, और जो नहीं है समर्थ यहाँ खाने में हॉस्पिटल में खाना खाने में, हाँ, कितने तकरीबन लोगों को फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा हम डेली जो है लगभग 250 से 300 लोगों को खाना दे रहे हैं डेली। क्या नाम है सर आपका? एस के चौहान, सतीश कुमार चौहान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सत्य साई। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।